तो इस मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं जब से मार्केट बनी है 1968 से 1970 से। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां हैं नहीं, नाले हैं नहीं, तारें बिखरी पड़ी हैं हर जगह। इसमें कोई काम हुआ नहीं आज तक, इसको काम की भयंकर जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है यश असानी और आप देख रहे हैं तेज़तर्रार, जहां दिखाते हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फर्नीचर और घरेलू सामान के वन स्टॉप शॉप पे। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कीर्ति नगर को, जिसको एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे जो तमाम दुकानदार हैं उनको यहाँ की सुविधाओं को लेकर काफ़ी दिक्कत है। देखिए, यहाँ पर आपको सामान तो काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अगर सुविधाओं की यहाँ पर बात करें तो उसकी यहाँ पर काफ़ी हद तक कमी है। जुड़ेंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट से और जानेंगे कि यहाँ पर दुकानदारों को क्या समस्या है, उनका वो क्या निवारण चाहते हैं और रीडेवलपमेंट के दौरान वो यहाँ पर क्या बदलाव चाहते हैं। जुड़ेंगे उनसे, पूरी खबर लेकर आएंगे आपके पास विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ तेज़तर्रार न्यूज़ पर। जी सर, आपका नाम? रतिंदर भाटिया। क्या क्या दिक्कत है सर इस मार्केट में अभी? इस मार्केट में इजी होगा अगर पूछोगे क्या दिक्कत नहीं है, छोटा हो जाएगा काम। तो इस मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं जब से मार्केट बनी है 1968 से 1970 से। उसके बाद किसी ने इस मार्केट की तरफ देखा ही नहीं, और आज से 15 साल पहले लास्ट जो मुझे याद है, क्योंकि मैं 17 साल से तो मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, 18 साल से लास्ट 15 साल पहले इसकी कुछ सड़कें हमारे के तब के जो MLA थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर श्री सुभाष सचदेवा जी, उन्होंने बनवाई थी। वो तब से लेके आज तक ना तो कोई सड़क बनी, ना तो कोई सड़क सरकार ने पूछा। उसके बाद जब से ये सरकार 7 साल से आई है आम आदमी पार्टी की, वादे तो बहुत इन्होंने भी किए। पहले कॉरपोरेशन में जगह थी, सबसे पहले DDA में थी, फिर कॉरपोरेशन में गई, फिर कॉरपोरेशन से अब ये DSADC को चला गया, हैंडओवर हो गया। अब तो ये मार्केट रीडेवलपमेंट में जा रही है? सर, रीडेवलपमेंट में जा रही है, उसमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। झोल जो मेन फर्नीचर का बाज़ार है वो इस तरफ है, जो पुरानी मार्केट है। ये नाम अनाउंसमेंट्स हर चीज़ तो फर्नीचर बाज़ार की कर रहे हैं, और फंड लकड़बंडी वालों को कह रहे हैं कि हम रीडेवलप करेंगे, तो हमको तो कुछ समझ नहीं आया। जो फर्नीचर की असली कीर्ति नगर मार्केट है वो ये है, और इसको हमने रिक्वेस्ट भी डाली है, लेटर्स भी डाली हैं, मेल्स भी डाली हैं कि भाई अगर आप रीडेवलप कर रहे हो तो हमारी मार्केट को करो। तो कर रहे हैं लक्कड़ मंडी को, अब लक्कड़ मंडी तो फर्नीचर मार्केट है नहीं, वो लक्कड़ मंडी है। अब आप लक्कड़ मंडी को चेंज करके फर्नीचर नई फर्नीचर मार्केट बनाओ वो हमें नहीं पता, बट जो लक्कड़ फर्नीचर की असली मार्केट है वो ये है। इसमें कोई काम हुआ नहीं आज तक, इसको काम की भयंकर ज़रूरत है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ हैं नहीं, नाले हैं नहीं, ना नाली है, ना सीवर है, ना सड़कें हैं, तारे बिखरी पड़ी हैं हर जगह। इसमें अंदर बाग हैं तो उसके अंदर कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं है, पार्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। लोगों ने इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट कर ली है कि जो 60-60 फुट की सड़कें थी आज वो 20-20 फुट की रह गई हैं, इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुकी है। तो अब इस चीज़ को जब तक सरकार मेहरबान नहीं होगी भाई, कैसे होगा? टॉयलेट्स को लेकर यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं? बाथरूम है ही नहीं, हम लोगों ने अपने सोर्सेज से प्राइवेट एक बाथरूम बनाया, कॉरपोरेशन ने एक बाथरूम हमें प्रोवाइड करवाया, कॉरपोरेशन ने, और वो प्रोवाइड करवाया है इनके पार्क के अंदर। अब वो पार्क चला गया है दिल्ली सरकार के पास है हॉर्टिकल्चर में, और बाथरूम उसके अंदर है, हॉर्टिकल्चर वालों ने उसको ताला मार दिया है। तो मतलब ये पॉलिटिक्स ही है, बाथरूम नहीं है। हमें किसी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, हम एक स्पष्ट चीज़ चाहते हैं कि बाजार है उसमें बाथरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसमें सड़क सही होनी चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, लोग आए उनका जेब ना कटे। ये सारे बदलाव आप देखना चाह रहे हैं रीडेवलपमेंट के बाद? ये देखना चाह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं भाई, इरादा इनका अच्छा है, ये अनाउंस कर रहे हैं, इरादा है बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं, तारीफ़ कर रहे हैं इनके इरादे की। हम खुद भी ससोदिया जी जब आए थे लक्कड़ मंडी मिले थे, और उनको हमने ये पॉइंट रखा था
कि मेन मार्केट तो उन्होंने हमें भरोसा और आश्वासन तो दिया कि कोई भी जगह छूटेगी नहीं, बट हम सरकार की तरफ से हमें आज तक किसी ने अप्रोच किया नहीं। उसके बाद हमने तो सरकार को बहुत सारी लेटर्स लिख दी, चिट्ठियाँ, मेलें, सब कुछ लिख दिया। जो यहाँ पे सुविधाओं की कमी है, मतलब आप काफ़ी बार उस चीज़ की शिकायत दर्ज कर चुके हैं? बहुत बार सर, बहुत बार कर चुके हैं। और जिस लक्कड़ मंडी को रीडेवलपमेंट करके नाम पे दोबारा पैसा दे रहे हैं, वो तो 7 बार उसकी सड़क बन चुकी है। और यहाँ पर कितनी बार काम हो चुका है सड़क पर? हुआ ही नहीं। अब ये मतभेद क्यों है ये तो हम नहीं जानते। सड़कों के अलावा यहाँ पर किसी और चीज़ पर कभी काम किया गया हो? इस बाज़ार में भाई साहब कोई आया ही नहीं। काम तो तब करेगा जब कोई आएगा पूछने। ना यहाँ जेई आता है, ना कोई DSIDC का जेई आता है पूछने, ना कोई और आता है, ना कोई बिजली विभाग वाला आता है। जब जिसको बिजली जोड़नी है अपनी तार, उसका कनेक्शन जोड़ के चला जाता है। कोई नहीं आता। हम यहाँ 17 साल से बाज़ार में बैठे हैं, हमारे पास तो कोई नहीं आया भाई साहब आज तक। 17 साल से आपने यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं देखा? बिल्कुल नहीं देखा, 1 रुपये का नहीं देखा। जो करते हैं हम खुद ही अपनी अपने सोर्सेज से करते रहते हैं बैठे, हमने नहीं देखा। 15-17 साल से मैं हूँ, तब से यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। ना किसी कॉरपोरेशन ने किया है, ना किसी निगम ने किया है, ना किसी MLA ने किया है आज तक। आश्वासन सब ने दिए हैं, बैठ के बहुत हुई हैं, सब कह के जाते हैं, करता कोई नहीं। अब ये 7 साल से केजरीवाल साहब की सरकार है, तब से भी 6-8 बार हम MLA साहब को भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उन्होंने भी कई बार हमें आश्वासन दिया है, कुछ नहीं हुआ। अब देखिए कितनी बड़ी राजनीति है, हमको नहीं पता कि रोड्स का ठेका दिया गया है और उसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, उसको जो जगह दी गई है कि वो अपना काम करे, बनाए, मशीनरी लगाए, वो हमारे अंदर दी गई है, बट रोड यहाँ की नहीं बना रहा, रोड वहाँ की बना रहा है कहीं और की, लेकिन जगह उसको घेर के, पहले ही हमारे पास जगह नहीं है, उसको अब जगह घेर के दे दी है ठेकेदार को। जैसा कि यहाँ पर कस्टमर आते होंगे आपकी दुकान में, वो भी बताते होंगे कि इस मार्केट में क्या समस्याएं हैं उनको जब आते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर पार्किंग है नहीं उनके पास बेचारों के पास, इसी तरह हमारा व्यापार कम हो जा रहा है। और हमें तो उम्मीद है इसी तरह चलता रहा तो व्यापार सारा यहाँ से छिन जाएगा, क्योंकि जब अगले को पार्किंग ही नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी, लड़ाई झगड़ा होगा तो कौन आएगा, इसलिए वो व्यापार कम हो जा रहा है। जबकि सबसे बड़ी बाज़ार ये है फर्नीचर का, कितना GST इस बाज़ार से जाता है सरकार को, सरकार को इतना रेवेन्यू जा रहा है, कॉरपोरेशन को इतना रेवेन्यू जा रहा है। हमको तो आज तक ये नहीं समझ आई कॉरपोरेशन पैसे किस चीज़ के ले रही है, हाउस टैक्स किस चीज़ का ले रही है, ज़मीन उनके पास है नहीं, सड़कें उनके पास है नहीं, डेवलपमेंट उनके पास है नहीं, तो किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं भाई, क्यों ले रहे हैं हाउस टैक्स? हाउस टैक्स में हमें वो प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, हमें तो आज तक ये नहीं समझ आई। ये तो अंधा कानून है कि ऊपर बैठे उन्होंने बना दिया कि इतना हाउस टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, किस लिए देना पड़ेगा, किस काम के लिए देना पड़ेगा? देना पड़ेगा मतलब आपके घर में बिजली का मीटर लगा दिया, आपको 10,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, बात ख़त्म। बिजली चले ना चले, आए या ना आए, ये तो वो बात है। नहीं दोगे तो इतने कानून बना दिए हाउस टैक्स के कि आपकी कुड़की कर देंगे, आपका मकान ले लेंगे, आपका कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन कभी किसी ने उनको ये नहीं पूछा कि भाई तुम ले क्यों रहे हो, अगलों से पैसे ले रहे हो तो उनको क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो बताओ ना, क्या दिया है आज तक निकाल के दो, कुछ नहीं। अरे जब देंगे कहाँ से, या इलाका ही उनके पास नहीं है। अरे बहुत भैया, यहाँ इतना गंदा राज है, हमारे बहुत सारे व्यापारी यहाँ से पलायन कर गए, छोड़ छोड़ के देश जा रहे हैं, या कुछ ऐसी मार्केटों में जा रहे हैं जहाँ पर कम से कम सरकारें सुनती तो हैं। बहुत सारे चले गए, कम से कम 40 तो मैं जानता हूँ, 10% चले गए। इस पूरे मार्केट में तकरीबन 2500 से 3000 दुकान है सर। इस पूरे बाज़ार में लक्कड़ मंडी से लेके यहाँ तक 2500 दुकान है। जो ये फर्नीचर की असली दुकानें हैं, वो उसमें लक्कड़ की भी दुकानें हैं, फर्निशिंग की भी दुकानें हैं, बहुत सारी अलग अलग दुकानें हैं, बट जो फर्नीचर की असली दुकानें तकरीबन 350-400 दुकानें वो यहाँ हैं। फर्नीचर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन जो यहाँ है,
जैसा कि हम देख सकते हैं कि रोड में कितने गड्ढे हैं, तो बारिश के दौरान यहाँ पर क्या होता है भाई साहब? ये घुमा घुमा के भी पूछोगे तब भी वही होना है। जब रोड खराब है तो गड्ढे तो होंगे ही। ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ का खराब है? यहाँ का कुछ भी नहीं चल रहा भाई साहब, मैंने बोला ड्रेनेज है ही नहीं, चलेगा तो जब तो होगा है कहाँ। और मैं आपको बता चुका हूँ रोड के तो ऊपर 50% तो इंक्रोचमेंट हो गई है, जितने फुटपाथ हैं उन सब के ऊपर इंक्रोचमेंट हो गई है। तो जब इंक्रोचमेंट हो गई उसके ऊपर कहीं कोई भटूरे वाला बैठ गया, कहीं कोई छोले वाला बैठ गया, तो बुरा हाल है। कोई उठाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। आप, आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट है हर सरकार से, हमारा, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम अपनी समस्या बता रहे। ये भाई हाथ जोड़ लो, अगर और कुछ लेना है ले लो हमसे टैक्स, लेकिन कम से कम जीने का अधिकार दे दो। और हम जीने का मौलिक अधिकार ही मांग रहे हैं। एक व्यापारी का घर में इतना टाइम नहीं लगता है जितना अपने दफ्तर में लगता है। हम लोग तो अब क्या हो गए ना, घर तो क्या, हमारी आधी ज़िंदगी तो यहीं गुजरती है। जहाँ हमारी आधी ज़िंदगी गुजरती है, हमारा रोज़गार गुजरता है। कम से कम 10,000 आदमी यहाँ से रोज़गार ले रहा है, पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से सप्लाई जा रही है, एशिया का सबसे बड़ा फर्नीचर मार्केट। वो हम यहाँ से, हमारे पास हमारा मौलिक अधिकार ही नहीं हमको मिल पा रहा। हमको सांस लेने की जगह नहीं, अपनी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं, अपना नाली सर, अभी बरसातें आ जाएंगी पानी ऊपर तक भर जाएगा, दुकानों के अंदर पानी आ जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। कस्टमर के खड़े करने की जगह नहीं, करंट लगते हैं, कितने बार तो आदमी मर गए यहाँ पर। और सड़कें हैं नहीं, टूटी पड़ी हैं, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं उस चक्कर में। तो आप हमारा मौलिक अधिकार, जिसके लिए आप, हम इतने साल से आपको टैक्स दे रहे हैं, कम से कम वो दे दीजिए हमें। और हम नहीं कह रहे कि हमारे को 5-स्टार कीजिए। आप कह रहे हैं 5-स्टार बना, अरे क्या 5-स्टार बनाओगे आप, क्या बनाओगे 5-स्टार? अरे हमारी हमारी सड़कें ठीक कर दो भैया, हमारी नाली नूली बनवा दो, हमारे साफ सफाई करा दो, और क्या कर सकती है सरकार? हमें तो उतना ही मांग रहे हैं, हम तो उससे ज़्यादा मांग भी नहीं रहे। जो हमारा अधिकार है लेने का, हम उसके लिए भी हाथ जोड़ के मांग रहे हैं। आपके माध्यम से मेरी फिर रिक्वेस्ट है दिल्ली सरकार को कि उनकी पहल अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है, बट यही है कि उस सोच पे वो अमल करे, एक दूसरा उस सोच में कोई पॉलिटिक्स ना लाए। सबको, हम नहीं कहते हमको, सबको, हर बाजार को उसका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ये हर सरकार की ड्यूटी है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इस बारे में सोच रही है, सोच उनकी, पहल उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर वो अमल करे, खाली उसके ऊपर बयानबाजी पोस्टरबाजी करके छोड़ ना दें भाई हमारे को मझदार में। हम तो ऑलरेडी मझदार में बहुत साल से पड़े हैं। देखिए, जो कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट है, उसका जो निर्माण वो 1975 में भारत में लगी इमरजेंसी के दौरान किया गया था। पहले ये मार्केट पहाड़गंज में मोतिया खान के पास थी। इमरजेंसी के दौरान 300 फर्नीचर डीलर्स को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। तकरीबन 47 साल बाद अब इस मार्केट में 2500 से 3000 दुकानें हो चुकी हैं। और हम आपको बता दें, जैसा कि हम यहाँ के प्रेसिडेंट से जुड़े, उन्होंने हमें बताया कि पूरे डीलर एसोसिएशन में जितने भी व्यापारी मौजूद हैं, उनकी सिर्फ यही मांग है कि उनको उनका मौलिक अधिकार दिया जाए, जो भी यहाँ पर दिक्कत है उनका ठीक ढंग से निवारण किया जाए, जितनी भी यहाँ पर सुविधाओं की दिक्कत है उनका ठीक तरह से निर्माण हो, अच्छी सड़कें बने, पार्किंग की सुविधा अच्छी की जाए, यहाँ की जो ड्रेनेज फैसिलिटी इतनी ख़राब है, बारिश के दौरान जो लोगों को गंदी नालियों से जूझना पड़ता है। देखिए, जैसा कि हमें प्रेसिडेंट ने बताया कि जो कस्टमर उनकी दुकान में आते हैं, उनको भी इस मार्केट में काफ़ी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। इसी के साथ हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि कीर्ति नगर के अलावा 4 अन्य मार्केट, जिनका नाम लाजपत नगर, कमला नगर, सरोजनी नगर और खारी बावली, भी रीडेवलपमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने अपने क्षेत्र में लिया है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ के प्रेसिडेंट का सिर्फ यही कहना है कि वो अपने मौलिक अधिकार मार रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं उनका ठीक ढंग से निर्माण किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार उनको आश्वासन तो दे रही है, उनकी सोच काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अपनी सोच पर अमल करेंगे और यहाँ पर जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। अब आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि राजधानी दिल्ली में इन बाज़ारों का रीडेवलपमेंट कब और किस हद तक, इसको दोबारा से अच्छे से, अच्छी तरह के ढंग से रीडेवलपमेंट कर कब करना चाहिए। साथ ही
दिल्ली की अन्य मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं यश असानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।